अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिरावट के रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। शुक्रवार को भी डॉलर के मुकाबले रुपया 79.88 की वैल्यू पर रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो बीते 5 दिनों में एक डॉलर मोटा माटी 80 रुपए के आसपास बना हुआ है, जो रुपए के जीवन काल में सबसे ज्यादा है। रुपए के रसातल में जाने का असर ये हो रहा है, जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। होम लोन या कार लोन तो छोड़िए, किचन से लेकर बच्चों की फीस तक पर इसका असर पड़ रहा है। आइए जानते हैं इसकी क्या वजहें हैं, क्या असर पड़ रहा है और क्या ऐसी स्थिति में भी हमारे लिए खुश होने की कोई वजह है। साल 2022 की शुरुआत में एक डॉलर 74 रुपया था। 15 जुलाई 2022 को एक डॉलर का भाव 79.88 रुपए है। बीते एक साल में रुपया 7.5% लुढ़क चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रुपया 26वीं बार रिकॉर्ड लो पर पहुंचा है। देश का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। जून 2022 में ये घाटा 25.63 अरब डॉलर पर पहुंच गया। जून 2021 में ये घाटा 9.61 अरब डॉलर था। विदेशी निवेशकों ने एक साल में 32 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। 1 जुलाई को विदेशी मुद्रा भंडार 588 अरब डॉलर हो गया। बीते 6 महीने में भी इसमें 5 अरब डॉलर की गिरावट आई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आयात के लिए डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। कच्चा तेल महंगा होने से भारत को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे गिरावट बढ़ेगी, देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होगा, तेल आयात महंगा होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। भारतीय छात्रों के लिए विदेशों में पढ़ना महंगा हो जाएगा। खाद्य तेलों और दालों की कीमतें बढ़ सकती हैं। होम लोन और कार लोन भी महंगे होने की आशंका है। पाकिस्तानी रुपया 31.65% नीचे आया। अब एक डॉलर 209.46 पाकिस्तानी रुपये पर है। नेपाली रुपया 8.50% लुढ़का, एक डॉलर के मुकाबले 127.66 नेपाली रुपया हुआ है। बांग्लादेशी टका 12.77% गिरा है, अभी 93.91 टका के बराबर है एक डॉलर। श्रीलंकाई रुपया 84% कम हुआ, अभी 360.83 है एक डॉलर की कीमत।